निर्माण झाली. एकीकडे शासन पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचे आवाहन करते, मात्र दुसरीकडे गोदावरी नदीच्या पात्रातून लाखो लिटर पाण्याची चोरी केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. आधार न्यूजच्या प्रतिनिधीने गोदावरी काठावरील कायगाव टोकाई इथे आढावा घेतला असता नदीच्या पात्रात शेकडो मोटारीच्या सहाय्याने पाणी चोरी केली जात असल्याचे पाहावयास मिळाले. हम यहाँ पे गोदावरी नदी पे आए हुए हैं और यहाँ पे देखो आप, इतनी भरी हुई नदी थी, पूरी खाली हो चुकी है और यहाँ पे पीने को पानी नहीं है. 10 दिन में एक बार पानी आ रहा खेड़े पाड़े में जो है, तो टैंकर लगाए गए, टैंकरों से पानी लिया जा रहा है और यहाँ पे जो है तो हज़ार हज़ार मोटर यहाँ पे जो है तो खेती को जो है तो पानी दिया जा रहा है. गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं है और इतनी गंभीर परिस्थिति के अंदर जो है तो लोग एक एक गिलास तीनों का पानी भी जमा करके रख रहे. और हमारी ये उम्मीद है भाई कि गवर्नमेंट से इनके ऊपर जो है तो कार्रवाई करे और ये मोटर है तो बंद करे. जब पानी आ जाएगा, बरसात हो जाएगी, उसके बाद में जो है तो ये मोटर चालू करें. विशेष म्हणजे हे सर्व महावितरण व पाटबंधारे विभागाच्या नजरेखाली सुरू आहे. औरंगाबाद शहराबरोबर ग्रामीण भागातील लोक पाण्यासाठी वणवण फिरत असतानाच मात्र प्रशासन अशा प्रकारानं का डोळजाप करत आहे असा सवाल नागरिकांकडे उपस्थित केला जातोय. प्रतिनिधी इम्रान शेख सह आधार न्यूज मुंबई.